नमस्कार, मैं जेबा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24। बढ़ते कुछ मुख्य खबरों की तरफ। झांसी के बंगरा ब्लॉक की कटेरा सड़क से 3 किलोमीटर खिरक कटेरा देहात तक जाने के लिए खिरक में बसी लगभग 500 लोगों की आबादी स्वतंत्रता की 75वीं वर्ष होने के बाद भी सड़क के लिए तरस रही। बरसात के दिनों में कच्ची सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाने से बच्चों को कीचड़ से निकलकर जाना पड़ता है। विद्यालय खिरक में बसे निवासियों ने बताया, ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत विधायक सांसद के चुनाव के दौरान प्रत्याशी वोट पाने के लिए कई बार सड़क बनवाने का वादा कर गए, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद किसी ने भी सड़क बनवाकर हमारी समस्या का हल नहीं किया। झांसी जिले के मऊरानीपुर तहसील में श्री श्री 1008 महंत श्री राघव दास जी महाराज महंत महाकाली मंदिर धवाकर के जन्मोत्सव के पावन पर्व पर भजन संध्या पंकज शास्त्री वृंदावन एवं विशाल भंडारा एवं प्रसाद वितरण किया गया। झांसी सीबरी बाजार थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 15 क्विंटल 90 किलो गांजा बकार बरामद की गई। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि नारियल के फलों के बीच डीसीएम में छुपाकर गांजा की तस्करी की जा रही है। सरकार ने आपदा में जिन गरीब की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई, उनमें से ही सबसे बड़ी संख्या में लाभार्थी इस योजना का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। जिले में लगातार राशन कार्ड धारक सरकारी चावल की बिक्री कर रहे हैं। ऐसा ही बड़ा मामला जनपद के पूंछ थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां 250 क्विंटल से भी ज्यादा चावल से लगा हुआ एक ट्रक जनपद जालौन से डबरा के बीच पकड़ा गया है। करीब 5 महीने बाद माध्यमिक विद्यालयों की रौनक फिर लौट आई। विद्यालयों में 9 से 12 तक की कक्षाओं में पठन पाठन शुरू हो गया है और अब कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल 23 अगस्त से खोलने का निर्णय लिया गया है। वहीं पहली कक्षा से 5 तक के स्कूल 1 सितंबर से खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को टीम 9 की बैठक में 1 से 8 तक के स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया। संदर कस्बे में ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान एक सभासद ने नगर पालिका अध्यक्ष पर हमला बोलते हुए चप्पल मार दी। इससे वहां हंगामा खड़ा हो गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने आरोपी सभासद को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पहले से खुन्नस चल रही थी। ध्वजारोहण के बाद कार्यक्रम चल ही रहा था, इसी तरह अचानक सत्यप्रकाश ने हाथ में चप्पल लेकर अचानक नगर पालिका अध्यक्ष पर हमला बोल दिया। अचानक हुई इस घटना से हड़कंप मच गया। वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस आरोपी को पकड़कर थाने ले गई। जानकारी होने पर एसडीएम मोट तानिया छाबड़ा व सीएमओ डॉक्टर प्रदीप कुमार भी थाने में पहुंच गए। जालौन के कोच कोतवाली की सुरई पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम घुसिया बाईपास के समीप बने ठाकुर बाबा के मंदिर बीते दिनों पूर्व अराजकताओं द्वारा तोड़कर दिया गया था। वहीं सोमवार की रात्रि के समय ठाकुर बाबा मंदिर से पीतल के घंटे चोर चोरी कर ले गए। कोतवाली पुलिस को रजनीकांत पुत्र प्रहलाद सिंह निवासी गोखले नगर ने तहरीर देते हुए बताया कि कुछ दिन पूर्व में ठाकुर बाबा मंदिर की मटिया को अज्ञात लोगों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिसके बाद सोमवार की रात्रि के समय अज्ञात चोरों द्वारा 8 पीतल के घंटे चोरी कर ले गए। रजनीकांत ने पुलिस से अज्ञात चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। बीएचएल कर्मचारी बैठे धरना प्रदर्शन पर, कर्मचारियों को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, आज उन्हें अपना पालन पोषण करने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। उनका कहना है कि यदि महीने भर में 7 दिन नौकरी करने आएंगे तो किस तरह घर चलेगा। महीने में अगर 15 दिन काम और 15 दिन घर पर बैठे रहेंगे तो किस तरह उनका पालन पोषण होगा। आज ऐसी स्थिति पर मजदूर वर्ग खड़ा है, जहां ना तो उनके पास कोई पैसा है और ना ही कोई आमदनी का कोई दूसरा जरिया। पोस्ट नहीं बल्कि महिलाएं भी इस धरना प्रदर्शन में बड़ी भागीदारी के साथ शामिल है। धरना प्रदर्शन काफी समय से चल रहा है, पर कोई भी सुनवाई का न्याय नहीं मिल रहा है। आज पूरे कर्मचारी एकजुट होकर एसपी साहब को ज्ञापन देते हुए उन्होंने बताया कि कृपा कर हमारी मदद कीजिए। इसमें विधवा औरतें व आदमी ऐसे कई अनेकों परिवार जुड़े हुए हैं जिनका घर बीएचएल के माध्यम से चलता है।
मामला जनपद जालौन के रेडर थाना क्षेत्र के ग्राम सुलखना का बताया जा रहा है, जहां चोरों की चहलकदमी से परेशान ग्रामीणों ने शराब के नशे में धुत होकर अपनी ससुराल जा रहे मोटरसाइकिल मैकेनिक को चोर समझकर पकड़ा और उसके साथ मारपीट करने लगे, जिसके चलते स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मोटरसाइकिल मैकेनिक को ग्रामीणों से छुड़ाया। थाना प्रभारी की पूछताछ के बाद पता चला कि ग्रामीणों को शक है कि यह चोरों के साथ ही तो नहीं है, इसी गलतफहमी की वजह से मोटरसाइकिल मैकेनिक को पकड़ा। हालांकि बाद में थाना प्रभारी ने मोटरसाइकिल मैकेनिक को उसके ससुरालियों को सुपुर्द कर दिया। बुंदेलखंड की मुख्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24।